संगठन महामंत्री मोहतरम अशोक गोल साहब, दीगर साथियों, आज हम खुशी के मौके पे यहाँ बैठे थे। उन्होंने इसको एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एक्सेशन करके किया था भाई, और वो 5 अगस्त 2019 को पूरा समाप्त हो गया। वही मैंने कहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो चीजें उन्होंने शर्तें रखी थी जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेटों से हटकर यहाँ 2 झंडे थे, यहाँ 2 विधान थे। अब आज हमारे सभी MLAs ने, सभी मिनिस्टर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली ना, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ नहीं ली है, तो उमर साहब ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है। हमारे जो भी सारे लीडर्स हैं, जो भी सारे MLA हैं, वो चाहे अवामी इत्तेहाद पार्टी का है या चाहे NC का है, चाहे PDP का है, सब ने जम्मू कश्मीर की नहीं, हिंदुस्तान की आइन की कसम खाकर उन्होंने शपथ ली है। ये जो कसर रह गई थी वो कसर पूरी हो गई। आज भारत का तिरंगा जैसे दिल्ली में लहराता है, जैसे पंजाब में लहराता है, जैसे हरियाणा में लहराता है, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी लहराता है। यहाँ कोई दूसरा तिरंगा, दूसरा झंडा कोई नहीं लहराता है। ये जो फर्क रह गई थी, उस फर्क को 5 अगस्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। जो वो देख रहा है उसकी तरफ हमको धकेल रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरा नाकाम करेगी, और किसी कीमत पर भी इन हरकतों को, इन ताकतों को यहाँ कामयाब नहीं होंगे। अभी असेंबली सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें हम करते हैं स्टेटहुड को लेके यहाँ बाकी नहीं, वो बात अगर वहाँ चलेगी तो अपने लोग जो हैं वो उस हिसाब से वहाँ जवाब दे देंगे, लेकिन इन्होंने अपने कैबिनेट में इसको पास किया है, अच्छी बात है, कैबिनेट में पास किया है और आगे लेकर गए हैं, आगे वाले देखेंगे कि इसमें क्या होगा। देखिए, आज ही वो अजीम दिन है जिस दिन को हम त्योहार की तरह मनाते हैं, जिस दिन हम सेलिब्रेशन करते हैं, जिस दिन सेलिब्रेशन हम करते हैं, ये 26 अगस्त 1947 को आज के दिन ही जो एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, महाराजा ने उस पर साइन किया था, और जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो भारत में हुआ था, कंप्लीट विलय, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में मतलब किया था। अब कुछ कमियां जो रह गई थी वो 5 अगस्त 2019 को कंप्लीट की गई, और अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिस तरह से महाराष्ट्र, यूपी दूसरी रियासत, उसी तरह जम्मू कश्मीर भी सियासत का, जो हिंदुस्तान का हिस्सा बना। आज इसी दिन पे भारत, ये एक्सेशन डे पे इसकी अहमियत और इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए आज हमने यहाँ ऑफिस में एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, और खुशी के मौके पर हमने यहाँ जो प्रोग्राम किया था, ये एक्सेशन डे की सेलिब्रेशन के लिए। देखिए, आतंकवादी और आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में खारिज कर दिया, चाहे वो कश्मीर का कोई भी हिस्सा हो, कश्मीर की आवाम अब दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करती है, और दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करती, वो दिखला दिया है इस बार की इलेक्शन ने कि भारी तादाद में वोटर निकले जिन्होंने वोट किया और इंडियन डेमोक्रेसी को लाइक किया, इंडियन डेमोक्रेसी को त्योहार की तरह बनाया। अब पाकिस्तान को भी अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ अभी बहुत गरीबी है, वहाँ चावल तक लोगों को मैसे नहीं, यहाँ गड़बड़ करने के बजाय उनको अपने लोगों को रोजी रोटी का देखना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी या दहशतगर्दी कश्मीर में फिर होगी और यहाँ फिर दहशतगर्दी कदम बढ़ाएगी, ठीक है, जम्मू में भी कुछ अटैक हुए, यहाँ भी कुछ अटैक हुए, क्योंकि ये आउटपुट है उसका, रिएक्शन है उसकी, जिस तरह से लोग यहाँ निकले भारी तादाद में, वोट किया, अपनी गवर्नमेंट बनाई, बिना खौफ बिना डर निकले लोग, लोगों ने वोट किया और लोगों ने डेमोक्रेसी का जो त्योहार है उसको मनाया, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई, इसलिए पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दों के जरिए यहाँ अटैक करवाता, लेकिन दहशतगर्द जहां भी हो, जिधर भी हो, जिस रूप में, उनको खत्म किया जाएगा, दहशतगर्द को दोबारा यहाँ सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर कार्यालय में, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एसेशन डे मनाया, आपको पता होगा 26 अक्टूबर को, इसी के दिन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एसेशन किया था अपने देश के साथ, और आज मुबारक घड़ी है, जिस तरीके से पूरा देश आज जम्मू कश्मीर का एसेशन मना रहा है, उसी तरीके से हम लोगों ने भी आज कार्यकर्ताओं ने यहाँ मिलके एसेशन डे मनाया, और मैं इस विलय दिवस पे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ। कोई खास और चीज, जिस तरह अभी अफवाहें चल रही थी 300 से जो स्टेटहुड वापस आएगा, क्या BJP के कार्यकर्ता उसके ऊपर अपनी पार्टी हेडों के साथ बात करेगी स्टेटहुड वापस? देखिए, स्टेटहुड हमारा राइट है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, सबने बोला है कि स्टेटहुड दे देंगे, और जब भी उचित समय लगेगा तो स्टेटहुड भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ की जो लोकल रीजनल पार्टीज है उसको स्टेटहुड के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब सेंटर ने पहले ही स्पष्ट किया कि इनको स्टेटहुड दे देंगे, तो उसपे राजनीति करने की और कोई जरूरत नहीं है।
पिछले कुछ दिनों से आतंकी हमलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप? देखिए, दो चीजें हो सकती है। एक तो जो आतंकवादी है, जिस तरीके से यहाँ चाहे क्रिकेट मैच हो, आपने देखा एक बहुत बड़ी लीग यहाँ पे स्टार्ट हुई, या फिर इलेक्शन हो, जिस तरीके से लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास किया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों को चुन के लाया, और पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद जब ये लोग चुन के आएंगे तो यहाँ अफरा तफरी होगी, और स्मूथ एक ट्रांजिशन रही यहाँ जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है वही एक कारण है कि भारत जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है। और दूसरा, जो एंटी नेशनल ताकतें हैं, शायद उनको कहीं ना कहीं जब से एनसी की सरकार बनी है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बल मिला है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी सरकार आई है, इस कारण से ऐसे अटैक्स होते। लेकिन हमें पूरी विश्वास है हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इन जो थ्रेट्स है उनको न्यूट्रलाइज करेंगे।